भाई अगर साइलेंस इज कम्प्लिस कॉम्प्लिसिटी काश मेरी आवाज़ इतनी वजन रखती कि मैं इन रेसलर्स बच्चियों के हित में कुछ बोल पाता और मुझे अफसोस है कि किसी ने भी नहीं जिसकी आवाज़ पूरी पूरा मुल्क सुनता है किसी ने उनके हित में बोलने की तकलीफ भी नहीं की एक्टर्स अवॉइड पॉलिटिकल कमेंट्स व्हाई अनलेस दे आर फ्लैटरिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट बिकॉज दे आर सो इन सिक्योर के ज, ज, जिस लेवल का हेरसमेंट का सामना उन्हें शायद करना पड़े वो मैं हो सकता है इमेजिन भी नहीं कर पाता जो हैरसमेंट मुझे फेस करना पड़ता है वो बहुत ही कम है किस तरह का चिट्ठियां एक साहब ने मुझे पाकिस्तान जाने का टिकट भेजा गालियां भरी चिट्ठियां फेसबुक पे नोटिफिकेशन यही होगा और क्या होगा लेकिन जिस जिसको मैं मानता नहीं उसकी मैं झूठी तारीफ नहीं कर सकता हाउ डू ये जो एक कुछ तो कान तक पहुंचती होगी ना रिएक्शंस? हाँ वो इस कान से अंदर जाती है इस कान से बाहर निकल देता अपने की हाँ क्योंकि क्या फायदा इन पर फिक्र करने का ये सब किराए के टट्टू हैं जो ये कमेंट्स भेजते हैं इन सबको वो वो so अगर, अगर प्रधानमंत्री मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं शायद सुनूंगा उसके बारे में कि उन्होंने क्या कहा और वो मेरे बारे में क्यों कुछ कहेंगे कभी ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई संदेश आया हो कि आपका इतना लंबा तजुर्बा है यू हेल्प अस इन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन स्पेशली अराउंड कम्युनिकेशन एंड एक्टिंग कभी नहीं सिर्फ सुभाष घई साहब ने मुझे बुलाया जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे थे विस्लिंग वुड्स और मैं बड़ी खुशी खुशी उनके साथ हुआ आ, और दो साल मुझे मौका मिला एंड आई मैनेज टू एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट फॉर एक्टिंग जहां पर एक्टिंग सही तरीके से सिखाई जाए और बाकायदा एक फैकल्टी हो उसमें बट नॉट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट